कैसे हो मेरे वाले दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं किस प्रकार से आप क्लाउड किचन की कॉस्ट को लगभग 20 से 30% तक कम कर सकते हैं। और अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें कि मैंने पढ़ा कि इंडिया में अभी भी इतनी पोटेंशियल है क्लाउड किचन की, अभी भी लगभग 4 से 5 लाख आउटलेट और चाहिए इंडिया में, इंडियंस लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड की। और ये बेसिकली उन सिटीज़ में हैं जो कि टायर 2 सिटीज़ में आती हैं, और साथ साथ जो हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ तो उनकी ज़रूरत है ही। टायर 2 में लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के इतने ही आदी नहीं हुए, उनको नहीं मालूम है। पर जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारा इंडिया डिजिटल हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लोगों को भी इसकी आदतें पड़ती जा रही है क्लाउड किचन की। तो बेसिकली हम लोग मुद्दे पे आते हैं जो कि वीडियो का मेन मुद्दा है कि किस प्रकार से हम लोग क्लाउड किचन की कॉस्ट लगभग 20 से 30% कम कर ले सकते हैं। अगर मैं एक छोटे से नटशेल में आपको बोलना चाहूँ तो मेन जो हमारा क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं, जो मेन जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है वो जाता है हमारा इक्विपमेंट्स में। और इक्विपमेंट्स अगर मैं बोलूं कि लगभग हमारे 2 लाख तक के इक्विपमेंट्स आते हैं, अगर एक जनरली आप एक क्लाउड किचन के बोले जिसमें कि 2 टेबलें होंगी या आपके गैस होंगे, चूल्हे होंगे, आपका एक तंदूर हो जाएगा, चाइनीज़ के काउंटर हो जाएंगे, तो ये लगभग हमारे 2 लाख तक पड़ जाते हैं। पर यहीं अगर आप इसको एक एज अ सेकेंड हैंड रिप्लेस कर लेते हैं या ऐसी जगह से उठाते हैं जो कि पहले से ही यूज़ हुआ है पर वो ठीक है, वो इस कंडीशन में है कि आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकें, उसकी अच्छे से सफाई करके, क्लीनिंग करके उसको यूज़ कर सकें, तो आपकी कॉस्ट लगभग लगभग आपकी 20 से 30% कम हो जाती है। मान लीजिए एक टेबल है स्टील का, जिसको कि हम लोग SS का टेबल बोलते हैं, अगर आप उसको ख़रीदने जाएंगे तो मार्केट में अगर नया लेंगे या आप स्पेशल कस्टमाइज़ करके उसको मैन्युफैक्चर करवाएंगे नए इक्विपमेंट को, तो लगभग उसकी कॉस्ट आपकी 22 से 25 हज़ार आती है। वहीं अगर आप इसको सेकेंड हैंड उठाते हैं तो यही कॉस्ट लगभग आपकी 12 से 15 हज़ार तक हो जाती है। डिपेंड करता है कि वो कितना पुराना है या आप किससे डील कर रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो मेरे ऐसे कई सारे कनेक्शंस हैं जहाँ पे कि आप अगर चाहे तो क्लाउड किचन खोलना, तो आप उनसे कांटेक्ट मेरे थ्रू कर सकते हैं या मुझसे आप नंबर ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप उन सेकंड हैंड आइटम्स को जो कि मेनली आपके टेबल्स हो गए, चूल्हे हो गए, टेबल्स का कुछ नहीं जाता है, टेबल्स वैसे ही रहता है, जो चूल्हे होते हैं आपके, बर्नर्स होते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, फ्रिजेस होते हैं आपके वो भी सेकेंड हैंड आपके यूज़ हो जाते हैं, तो आपकी कॉस्ट जो लगभग आपकी 20 से 30% तक कम हो जाती है, जो कि आपके लिए काम आती है बाद में अपने रेस्टोरेंट को रन करने के लिए। दूसरा, ये तो होगी बात इक्विपमेंट की, दूसरा इन्हीं इक्विपमेंट के अंदर आप अगर कोई कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं सिर्फ बर्गर बेचना चाहता हूँ, तो बर्गर के कॉन्सेप्ट के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक टेबल जो आपका वर्किंग टेबल होगा, दूसरा आपको चाहिए फ्रायर जिसमें आपकी फ्राई होंगी, और आपको बर्गर को जो ग्रिल करने के लिए एक हॉट प्लेट की ज़रूरत होती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको जनरली चाहिए होगी। इसके बाद आपका एक जो गैस चूल्हा हो गया जिसको कि कुकिंग रेंज कहते हैं, तो लगभग ये आपका 70-80 हज़ार रुपये में बन जाता है या उससे भी कम में बन जाएगा अगर आप थोड़ा सा और आप उसमें घुस के काम करेंगे। तो ये इस तरीके से ये दो मेन मैं बोलूँगा कारण, अगर आप कर लें ये चीज़ें अपना लें तो आपका जो जो कॉस्टिंग हो जाएगी वो काफ़ी कम आ जाएगी। बाकी अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो मेरा कोर्स है वो आप लोग ले सकते हैं, जिसकी की कीमत मात्र 2,500 रुपये है, और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। साथ साथ मैंने कई सारे मेन्यूज़ भी दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड मेन्यूज़ हैं उसके अंदर, कुछ केस स्टडी भी हैं। मेरे एक जो क्लाइंट है वो पुणे में है, उनकी केस स्टडी भी मैं इसमें डाली पड़ी है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कितना पैसा लगेगा, मेरे को कितना हाथ में रखना है, और बहुत सारी चीज़ें। बाकी आप कोर्स लेते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, आपको मैन पावर की में अगर प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली के आसपास है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ये सब फ्री है, ये क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े पड़े हैं जिनको कि जॉब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें अगर आप नोट कर लीजिए तो आपकी कॉस्ट का लगभग 20 से 30% कम हो जाएगी। तो चलिए, मुझे नए टॉपिक्स के लिए बता देना क्या किन चीज़ों पे आपको नई वीडियोस चाहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।